हेलो स्टूडेंट्स मैं अमित गौतम संस्कृत पीसीसीपी लेक्चरर आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के क्लास एट्थ के पाठ्यक्रम के तीसरे चैप्टर की तृतीय पाठ जिसका नाम है डीजी भारतम आप सभी ने अभी वर्तमान समय के इस परिवेश में वैज्ञानिक प्रगति को होते हुए देख रहे हैं हम लोग और हमारे मौजूदा जो सरकार है उन्होंने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की भारत को नई तकनीक के अंदर प्रवेश करने के लिए और डिजिटल इंडिया एक प्लानिंग की शुरुआत करने के बाद क्या क्या चीज़ें आज के डिजिटलाइजेशन युग में हो रही है उस तमाम चीज़ों को संस्कृत चैप्टर के माध्यम से संस्कृत भाषा में समझाने का प्रयास किया है इसलिए इसके अगर हम मूल भावनाओं पर देखें कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है जिस तरह से किसी टॉपिक पर हम निबंध लिखते हैं उसी प्रकार से संस्कृत भाषा के अंदर भी डीजी भारत मतलब डिजिटल इंडिया इस शीर्षक पर एक निबंध के रूप में उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं हर चीज़ कंप्यूटर पर मोबाइल पर बैठ के हम किसी बटन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप जीवन की हर प्रकार की एक्टिविटीज़ बहुत सुविधाजनक हो चुकी है ऐसे ही भावों को यहाँ संस्कृत भाषा के अंदर बयां किया गया है वक्त किया गया है तो क्या का इस डिजिटल इंडिया पार्ट के माध्यम से आज हम इसके बारे में इस भावार्थ के रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल इंडिया ये एक्चुअल में चैप्टर है क्या ठीक है जैसा कि हम लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं आपने पिक्चर के अंदर एक मोबाइल दिखाया हुआ है और एक महिला अपने हाथों से कुछ न कुछ क्लिक करती हुई दिखाई दे रही है तो हम आज देखते हैं अध्यय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत से चर्चा शुरू हुए थे अध्यय यानी आज अध्यय मतलब आज संपूर्ण विश्व संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया जो एक नाम दिया हुआ है डिजी भारतम जिसको संस्कृत भाषा में कहा गया डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है और संपूर्ण विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया की चर्चा ही सुनी जाती है अस्य पदस्य क भाव ही थी यानी इस पदस्य यानी पद का क यानी कौन सा भाव यानी भाव है इति मन से जिज्ञासा उत्पन्न है ऐसी मन में जिज्ञासा या इच्छा उत्पन्न होती है काल परिवर्तन काल मतलब समय के परिवर्तन के साथ साथ काल या समय के लिए आया जैसे जैसे समय में चेंजेस आया समय के परिवर्तन के सह यानी साथ ये एक अव्यय है ध्यान रखिएगा एक एक शब्द को अच्छे से हमें सुनना है समय के परिवर्तन के साथ मानव से आवश्यकता भी परिवर्तित मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है जैसे जैसे समय बदलेगा निश्चित रूप से हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी धीरे धीरे परिवर्तित होती रहेगी प्राचीन काले पुराने समय में ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम मास बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर प्राचीन समय की बात करें तो ज्ञान का जो आवागमन आवा था ज्ञान को लेना और ज्ञान को बांटना ये क्या था पूरी तरह से मौखिक वर्बली होता था मौखिक रूप में होता था विद्या च्रुति परंपरा यहाँ इसमें और विद्या को ग्रहण जो था वो सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था विद्या कैसे प्राप्त की जाती थी गुरुकुल या आश्रम के अंदर गुरुजनों के द्वारा व्याख्यान दिए जाते थे और विद्यार्थियों के द्वारा उन व्याख्यानों को सुना जाता था तो श्रुति परंपरा के माध्यम से ही उनको ग्रहण किया जाता था अनंतरम अनंतरम यानी बाद में यह भी आपका अव्यपदी हुआ अनंतरम मतलब होता है बाद में ताल पत्रों पर ताल पत्रों यानी तांबे के पत्तों पर आ, पेड़ के पत्तों पर इस प्रकार से भोज पत्रों पर और जिस पर भोजन किया जाता है उन पत्तों पर लेखन का कार्य आरंभ हुआ पत्तों के माध्यम से पत्तों के ऊपर लिख करके इन सब चीजों को फिर लिखा जाने लगा ये लेखन कार्य आरंभ हुआ परिवर्तनी काले कर्गद से लेखनयाच आविष्कारेण सर्वेशापी मनोगता भावनाम कर्गदों की लेखनम प्रारब्धम और जैसे जैसे परिवर्तनी काले समय का परिवर्तन होता रहा परिवर्तन के साथ साथ कर्गद से यानी कागज का कर्गद शब्द का मतलब क्या हुआ कागज का और लेखन्या मतलब कलम जिसको पेन कहा जाता है परिवर्तन होते होते फिर कलम का आविष्कार हुआ कागज का आविष्कार हुआ और इनके आविष्कार से में सभी के मन में जो भाव थे जो इमोशंस थे जो बोल करके हम अभिव्यक्त करते थे फिर धीरे धीरे कागज के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ होने लगा यहां तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को आगे देखते हैं यंत्र से आविष्कार लिखिता सामग्री टंकिता सती बहु कालाय, सुरक्षिता हा। कि टंकण यंत्र के प्रयोग के आविष्कार के बाद जब, जब छिपाई का काम होने लगा टंकण का काम होने लगा तो इनके आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को कई समय तक सुरक्षित भी रखा जाने लगा तंकित की हुई जो सामग्री थी लिखी हुई सामग्री वो बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी वैज्ञानिक प्रविधे वैज्ञानिक तकनीक में प्रगति यात्रा पुनः अपनी अग्रगता और ये यात्रा रुकी नहीं ये वैज्ञानिक प्रविधियों में और सुधार की जो यात्रा थी प्रगति यात्रा थी ये आगे भी लगातार जारी रही अद्य आज सर्वाणी सभी कार्याणी यानी कार्य संगणका नाम यंत्र आज वर्तमान समय की बात करें तो सभी कार्य संगणक नाम के मतलब कंप्यूटर माध्यम ना कंप्यूटर माध्यम से ही साधिता निभवंती यानी हल होते हैं साधित करना मतलब हल करना समाधान निकालना कि आज सभी प्रकार के कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संगणक यंत्र के माध्यम से ही हल किए जाते हैं समाचार पत्राणी समाचार पत्रों की बात करें और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम इन पठ्यंते और लिख्यंत इसमें कि आज अगर हम न्यूज़पेपर पेपर मैगजींस की बात करें या अलग अलग पुस्तकों की बात करें तो कंप्यूटर माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जा सकती है अगर हम टेप के ऊपर गूगल पर जाकर के किसी भी बुक के बारे में अध्ययन कर सकते हैं है ना पेन टैप के माध्यम से लिख सकते हैं तो कहने का मतलब आज बहुत ज्यादा टेक्निक जो है हाईटेक हो चुकी है तो यहाँ पर इस प्रकार से इन माध्यमों से पढ़ी और लिखी जाती है कर्गदोद्योग वृक्षा नाम उपयोगेन वृक्षा करती अंत्य अगर हम प्राचीन बात करें तो कागज उद्योग के अंदर वृक्षों का उपयोग होता था और उनके उपयोग के कारण वृक्षों को काटा जाता था ठीक है क्योंकि कागज बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता था परम प्रयोगेन प्रयोग वृक्षाणाम करतने न्यूनतम भविष्य विश्वास है लेकिन संगणक का अधिक से अधिक उपयोग होने के कारण वृक्षों को काटना बहुत कम हो चुका है ऐसा मेरा विश्वास है तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बाद आगे देखते हैं सुरक पर्यावरण सुरक्षा आया, दिशी महान उपकारो भविष्य और मेरा विश्वास है कि वृक्षों की कटाई कम होगी इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में यह हमारा महान उपकार होगा पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं जितनी ज्यादा वृक्ष हमारे विश्व में रहेंगे निश्चित रूप से हमारा जो वायुमंडल है वो और ज्यादा स्मूथ होने लगेगा प्रदूषण कम होने लगेगा ठीक है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अधूना आपने वस्तु रूप्य रूप अनिवार्यता नास्ती अधूना मतलब अब, क्या मतलब, हुआ? कि अब आपने मतलब बाजार में आपने शब्द का मतलब क्या हुआ बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपये कार्ड अनिवार्यता नाश्ति अब रुपयों की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है हम जहां कहीं किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें पहले अपने पॉकेट में से अपने जेब में से कुछ रुपए निकाल करके दुकानदार को देने होते थे लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के अंदर हम लोग अपने मोबाइल से फोन पे गूगल पे और भी डिजिटल तरीके से है हम अपना पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादा सर्वत्र रुपए का स्थान गृहवते हैं कि आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सर्वत्र रुपए का नाम इन सभी ने रुपयों का स्थान अपनी ओर ले लिया वित्त कोश से बैंक से चापी सर्वाणी की वित्त कोश यानी बैंक के चापी और भी सर्वाणी कार्याणी संगणक यंत्रण संपाद्य और बैंक के भी सारे कार्य किसके माध्यम से होने लगे सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जाने लगे बहुविधा अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ती और इस प्रकार के ए पी पी कैशलेस सुविधाएं ये मुद्रा को विहीन करने के लिए सहायक है कि हमें मुद्रा रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता जेब में नहीं है हम अधिकतर समय उस डिजिटलाइजेशन के जमाने में अपने फोन के माध्यम से अलग अलग एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से कैशलेस ट्रांजेक्शन में ये सहायक है कुत्रा भी यात्रा करनी या भवे कहीं भी यात्रा करनी या जगह यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्र से रेलयान यात्रा पत्र मतलब रेलवे टिकट इसका मतलब क्या हुआ रेलवे टिकट वायुयान यात्रा पत्र से और हवाई जहाज के टिकट वायुयान मतलब हवाई जहाज के टिकट ठीक है इनकी अनिवार्यता आज नहीं है क्योंकि हम अपने मोबाइल के अंदर ही उन टिकट को दिखा देते हैं और उसी से टीटी समझ जाता है कि आपने टिकट कटवाया हुआ है सर्वाणी पत्राणी अस्माक चल दूरभाष यंत्र ईमेल स्थान सुरक्षिता और जितने भी टिकट हैं ये हमारे चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल यंत्र में ईमेल के रूप में स्थान में सुरक्षित होते हैं यानी संदर्श वयम सौकर यात्राया आनंदम ग्रहणम कि मोबाइल के अंदर ही संदर्श यानी दिखा करके वयम हम सारी सुविधाओं के माध्यम से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं कि हमें रेलवे टिकट को अब जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है चिकित्सालय अपी आगे उन्होंने हॉस्पिटल की बात की कि आज चिकित्सालय में भी उपचारार्थम रोगी के उपचार के लिए रुपये का नाम आवश्यकता अध्ययन अनुभूत कि रुपयों की आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती है सर्वत्र कार्ड माध्यम है सर्वत्र यानी सभी जगह कार्ड माध्यम है ना कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यम है ना ई बैंक के माध्यम से शुल्कम शुल्क दिया जा सकता है कि अब इस डिजिटल युग में डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई है इसमें सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से इन सारी सुविधाओं को हल कर सकते हैं तद नाति यदा हस्ते भाष्यंत्र मादा मादाय सर्वाणी कार्याणी और उन्होंने आगे क्या कहा कि तद दिनम की आज दिन दूर नहीं है कि जब वयम हस्ते एकमात्र केवल एकमात्र मोबाइल यंत्र के लेकर के सर्वाणी कार्याणी साधी तुम समर्था भविष्य में हम सभी कार्य साधित करने में सफल होंगे वस्त्रपुट के का नाम आवश्यकता न भविष्य कि वस्त्रपुट के मतलब पॉकेट में जेब में वस्त्रपुट के मतलब जेब में रुपये का नाम मतलब रुपये परसों की आवश्यकता न भविष्य आवश्यकता नहीं होगी पासबुक चेकबुक इति आवश्यकता न भविष्य न तो पासबुक की आवश्यकता होगी न चेकबुक की आवश्यकता होगी पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्य और पढ़ने के लिए समाचार पत्रों या पुस्तकों या अलग अलग मैगजीन्स पत्र पत्रिकाओं की अनिवार्यता जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य और लेखन के लिए नोटबुक अभ्यास पुस्तिका का कागज और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोश से आवश्यकता न भविष्य कि नोटबुक और नए नए ज्ञान को खोजने के लिए अन्वेषण करना मतलब खोजना खोजने के लिए शब्दकोशों का भी आवश्यकता नहीं होगी अर्थात इन सब चीजों के लिए कागज की जो अनिवार्यता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी ज्ञानार्थम मानचित्र मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपनी भविष्य अपरिचित मार्ग यानी अननोन रास्ते पर जाने के लिए अननोन मार्ग को जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र के लिए कि मार्गदर्शक जो मानचित्र के रूप में हमारा मार्गदर्शक करता है उस मानचित्र की आवश्यकता की भी हमें अनुभूति नहीं होगी क्योंकि गूगल मैप के माध्यम से हम किसी भी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं तत्त सर्वम एक यंत्र कर तुम शक्य थे ये सभी कार्य केवल एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकेगा शाकादि क्रयाथम सब्जी आदि खरीदने के लिए फल क्रयार्थम फलों को खरीदने के लिए विश्राम ग्रहे सुम और गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए होटल के कमरों के लिए सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय शुल्क प्रदा तुम और हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए डॉक्टर की फीस देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चाहे शुल्क प्रदा तुम चाहे विद्यालय की बात करें महाविद्यालय की बात करें उनमें शुल्क देने के लिए किम बहुना दानम अपनी दातुम चल दूर भाष यंत्र में अलम केवल दान देने के लिए भी हम केवल एक दूरभाष यंत्र ही हमारे लिए काफी है केवल मोबाइल के माध्यम से ही इन सारी सुविधाओं को हल किया जा सकता है डिजी भारतम इति अस्याम दिशी वयम भारतीय द्रुत गत्या कि डिजिटल भारत डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सभी भारत को सभी भारतीयों को इस दिशा में बहुत आगे की ओर ले जा रहा है तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के अंदर डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा की गई इसके माध्यम से कितनी सारी सुविधाएं हमें मिली इस पार्ट में उन तमाम सुविधाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है धन्यवाद